I'm Shivani Kanwal. I'm a clinical dietitian, diabetes educator, and founder of NutriVibes. And today we will talk about oats. Oatmeal is rich in complex carbohydrates. जब भी आप carbohydrate sources choose कर रहे हो तो आपको ऐसे items pick करने चाहिए जिसमें complex carbohydrates present हो, जैसे कि oats. Complex carbohydrates का digestion slow होता है, इसका मतलब ये है कि हमें लंबे समय तक full रखता है. ये आपकी body में insulin levels को control करता है और जब आप अपनी diet में simple carbohydrates को complex carbohydrates के साथ replace करते हो तो आपका पूरा दिन energized महसूस होता है. हमारी बॉडी में जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदल जाते हैं और फैट के रूप में स्टोर हो जाते हैं. एनर्जी एनहांसिंग कैपेबिलिटीज के अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कैन गिव योर मसल्स दैट फुल लुक. इफ यू ओनली ऑप्ट टू ईट प्रोटीन, योर मसल्स विल एंड अप लुकिंग फ्लैट. ओट्स आर रिच इन प्रोटीन. जैसे कि हमने पहले बताया, ओट्स हमारी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करते हैं जिसकी हमें जिम में ज़रूरत पड़ती है और मसल को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं. जब हमें किसी खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल रहा हो तो एक बोनस से कम नहीं है. वीगन बॉडी बिल्डर्स अपनी डाइट में ओटमील को ऐड करना असेंशियल मानते हैं क्योंकि ये एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है. एक कप कुक्ड ओट्स में 5 to 6 grams प्रोटीन होता है. ओट्स आर हाई इन डाइट्री फाइबर. कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने में फाइबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि बॉडी बिल्डर्स को प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में खाना होता है, तो वो अपनी डाइट में मीट, फिश, चिकन को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड करते हैं और इससे डाइजेशन प्रॉब्लम आ सकती है. ओटमील में फाइबर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें बीटा ग्लूकन भी बहुत ज़्यादा होता है. बीटा ग्लूकन एक सॉल्युबल फाइबर है जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल या LDL का अमाउंट बॉडी में कम हो जाता है. एक कप कुक्ड ओट्स में तकरीबन 4 grams डाइट्री फाइबर प्रेजेंट होता है. ओट्स कंटेन लेस सैचुरेटेड फैट. एक बॉडी बिल्डर का गोल होता है कि वो सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन जितना कम हो सकता है उतना कम करे. जब हम सैचुरेटेड फैट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकती है. ओट्स आर रिच इन हेल्दी फैट्स. जब हम फैट सुनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी बॉडी के लिए बुरा है. नॉट ऑल फैट्स आर बैड. बैड फैट जैसे कि सैचुरेटेड फैट के अलावा हेल्दी फैट्स भी अवेलेबल होते हैं. ओमेगा 3 और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ऐसे दो ऑप्शंस हैं जो गुड फैट के एग्जांपल हैं. ओमेगा 3 हमारी बॉडी में HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है. ओट्स आर रिच इन मैग्नीशियम. हमारी बॉडी में मसल बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करता है वो मैग्नीशियम है. ये हमारी मसल्स को रिलैक्स होने में मदद करता है और मसल क्रैम्प्स होने से भी बचाता है. एक कप ओटमील में 1.4 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है. एक बॉडी बिल्डिंग डाइट पॉपुलरली कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन में हाई होती है और इसमें फैट कंटेंट लो होता है टू मेंटेन लीन मसल. ओट्स के काफ़ी टाइप्स हैं जिनमें से अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टील कट ओट्स, रोल्ड ओट्स, क्विक ओट्स, इंस्टेंट ओट्स एंड ओट ब्रान. आप चाहे जो भी ओट्स खाने का डिसीजन ले, उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट तो मिल ही जाएगा. आप अपने लिए कोई भी ओट्स का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, पर समझदारी इसी में है कि आप सारे टाइप्स के ओट्स के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को चेक करें, क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टेंट ओट मील में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. सो बी स्मार्ट. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.